प्लीज मुझे रेड साइन मिले। रेड, इसका मतलब मैं क्वीन हूँ। मम्मी देखिए, मुझे रेड मार्क मिला है। मम्मी, मुझे भी रेड मार्क मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी बहन रिंकी से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है। दो रेड मार्क है, इसका मतलब दो क्वीन हुई। लेकिन अगर दो क्वीन हुई तो नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। देखो, मुझे ब्लू मार्क मिला है और मुझे रेड मार्क मिला है। अरे ये तो सेम वही मार्क है जो तुम्हारी बहन को भी मिला था। तुमने इसे फेक बनाया ना? बोलो, तुम्हें हो क्या गया अरिया? हेलो मेरी प्यारी बहन, मुझे सब पता है चिंकी, ये जो तुम्हारा मार्क है ना वो फेक है, ये तुमने खुद से बनाया है। नहीं, मुझे रेड मार्क ही मिला था, वो तुम जिसने फेक मार्क बनाया। जाके सबको सच्चाई बता दो। ठीक है, झूठ बोलती रहो, जल्दी मैं सच का पता लगा लूंगी, समझी? रिंकी अभी भी नहीं मानोगी ये मार्क तुमने फेक बनाया है। तुम लोगों को हो क्या गया? तुम लोग मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करो? ये रियल रेड मार्क है। अच्छा, अगर तुम सच बोल रही हो तो हमारे साथ आओ, हमें प्रूफ करना होगा कि तुम्हारा ये मार्क रियल है। क्यों, चलोगी ना? हाँ क्यों नहीं, चलो। ठीक है, बताओ कैसे प्रूफ करना है। ये पकड़ो, ये मेकअप रिमूविंग टिश्यू पेपर है। तुम दोनों में से जिसने भी ये फेक मार्क बनाया होगा, इसे यूज करने के बाद उसका मार्क इरेज हो जाएगा। फिर क्या, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। देखा, ये मार्क अभी भी यही है, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरा भी मार्क अभी तक है। ये तो बहुत अजीब है। चलो ठीक है, हम इसे बाद में प्रूफ करेंगे। हाँ, फिर सबको पता चल जाएगा कि मेरा मार्क रियल है। वो तो समय ही बताएगा। मुझे अभी भी तुम पे विश्वास नहीं है, ये मार्क तुमने परमानेंट मार्कर से बनाया है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोली जा रही हो। परमानेंट मार्कर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। देखते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि उसका मार्क उस टिश्यू पेपर से भी इरेज नहीं हुआ। ये पकड़ो, इससे तो हर मार्क इरेज हो जाएगा, इवन परमानेंट मार्क भी। ठीक है, देखा मेरा मार्क अभी भी यही है। मेरा भी। क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी यूज कर लो उसका वो मार्क इरेज क्यों नहीं हो रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा मार्क ओरिजिनल है। ठीक है, लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा इसे प्रूफ करने के लिए। रिंकी ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है कि वही क्वीन है, लेकिन सबको पता है कि इसकी बहन ज्यादा डिजर्व करती है क्वीन बनना। हाँ तुमने सही बोला, वैसे भी ये क्वीन बनने के लायक नहीं है। सुनो, क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? मुझे बस ये बोलना था, क्या तुम्हें पता कि तुम्हारी बहन का वो मार्क इरेज क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा मार्क नहीं है। तब कैसा मार्क है वो? वो एक मैजिकल मार्क है जो इतनी आसानी से इरेज नहीं होगा, और मैं यहाँ पे यही पता करने आया हूँ कि रियल क्वीन तुम ही हो। तो बताओ अब मैं क्या करूँ? ये लो, ये ड्रिंक पकड़ो, जैसे ही तुम्हारी बहन ये ड्रिंक पिएगी उसका वो मैजिकल मार्क इरेज हो जाएगा। हाँ, एक और चीज, ये ड्रिंक पीने के कितनी देर बाद काम करेगा? करीब एक मिनट के बाद। ठीक है, थैंक यू। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम तैयार हो सबके सामने बेइज्जत होने के लिए क्योंकि तुम्हारा मार्क फेक है? मजाक काफी अच्छा था, सबको पता है कि मैं क्वीन बनने के लायक हूँ। खैर मिलते हैं, बाय। किसी को कुछ प्रूफ करना है? मुझे, मेरे पास ये ड्रिंक है, इसको पीने के बाद जिसका भी मार्क इरेज हो गया वो फेक था। ठीक है, इजाजत है, शुरू करो। ठीक है, तो ये ड्रिंक मैं लाई हूँ, इसीलिए सबसे पहले तुम पियोगी। ठीक है, तो मैं अभी पीती हूँ। ओके, मैंने पी लिया, अब तुम्हारी बारी। आप सबने देखा, मेरा मार्क अभी भी यही है। ये ड्रिंक एक मिनट के बाद काम करेगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, उसका मार्क इरेज हो गया, इसका मतलब मैं स्टार्टिंग से ही सच बोल रही थी, उसने ही फेक मार्क बनाया था। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। इसका मतलब हमारी सच बोल रही थी। नहीं, मेरी बहन झूठ बोल रही है। क्वीन हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके ऊपर शक किया। तुम झूठी हो, मैं इसका पता लगा के रहूंगी, समझी तुम? मेरी प्यारी बहन, जैसा कि तुमने अपने माँ के बारे में झूठ बोला और सबको परेशान किया, इसीलिए तुम पूरी जिंदगी मेरी असिस्टेंट बन के रहोगी और जो मैं बोलूंगी वही करोगी, समझी तुम? नहीं, मुझे माफ कर दो। इसके बाद रिंकी क्वीन बन गई और अपनी बहन को कुछ समय के लिए असिस्टेंट बना के रखा था। बाद में क्वीन ने अपनी बहन को माफ कर दिया और एक नॉर्मल मेंबर की तरह रॉयल फैमिली में रहने की इजाजत दे दी और अपनी छोटी बहन को प्रिंसेस का टाइटल दे दिया।